हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश सिंह चैनल पे। बहुत सारे बच्चों की मांग आ रही है कि सर शॉर्ट रिवीजन, बच्चों तो सपोर्ट करो ना यार, शेयर करो ना, क्योंकि न्यूमेरिकल की सीरीज लगभग खत्म होते आ रही। मुझे लगता है कि आई थिंक 12 चैप्टर हो चुके हैं, खत्म होने जा रहे हैं अभी, वो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूं, कम समय में करवा रहा हूं। ऑलरेडी अपने शॉर्ट मतलब वन शॉट से चालू है, लेकिन ये भी आपको शॉर्ट रिवीजन में फटाफट करवा के देते हैं। तो ज्यादा टाइम पास ना लेते हुए फटाफट मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को फोटॉन्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। फोटॉन्स एक पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी है विच आर इमिट द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन रेडिएशन से इमिट हो रहे हैं। उसके पास एनर्जी होती है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। फोटॉन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला ही बच्चों हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू है, तो एच कॉन्स्टेंट है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि बेटा ये स्ट्रेट लाइन से में होता, इसका कारण है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ये जीरो है बेटा, ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ते बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो मैं सादे सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होता है बेटा, कोई एक मेटल सर्फेस है, ठीक है, इस मेटल सर्फेस पे कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो किसी के ना किसी के बॉन्डिंग में है, तो सन से रेडिएशन आ गई। अब ये रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन में क्या आता है, अभी बोला मैंने, फोटॉन्स। फोटॉन्स के पास क्या होती है बच्चों, एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एनर्जी आने के बाद ये फोटॉन्स की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होती है। समझ में आ रहा है, मतलब वो ऑब्जर्व करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोटॉन्स इंसिडेंट होगा, वैसे एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व करने से पहले इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से फ्री होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोई एटम मॉलिक्यूल उनको खींचा होगा, कोई अट्रैक्शन होगा बच्चों, तो उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन, और इसका फार्मूला होता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है बताऊंगा, ठीक है। एनर्जी आ गई, कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में स्पेंड हो गई, खर्च हो गई, और रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी में हो गई बेटा। इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो, हमारा मकसद है कि सन से लाइट आने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कैसे होता है वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में इतना समझो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं है, सन से रेडिएशन से जो रेडिएशन आती है उसमें फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होने में वर्क फंक्शन लगता है, और रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, पॉसिबिलिटी 100% इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिपेंड होता है एनर्जी। ये न्यू क्या है, न्यू नॉट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी देने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों एक एक्सपेरिमेंट दिया है सेटअप, तो ये आप लोगों को देखना है कैसे कैसे होता है। सन से रेडिएशन सारी बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रेडिएशन आने से इस मेटल सरफेस पे, ध्यान रखना यहाँ पे इसको इमीटर बोला है, ये नेगेटिव प्लेट होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए कम्युनिकेटर से, ठीक है। ये सन से रेडिएशन आ गया बेटा, ये ग्लास का ट्यूब है ताकि मिट्टी गिट्टी कोई डस्ट पार्टिकल ना आ जाए और खराब ना हो जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटॉन से यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होके ये इलेक्ट्रॉन मूव होने लगते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मतलब आई थी लाइट और बन रहा है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब लाइट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसमें हो जाता है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये फटाफट बनने वाली बात है। चलिए फिर इसके कुछ ग्राफ से बहुत सारी चीजें, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल लाइट होती है, ठीक है। अभी यहां पे कुछ डेफिनेशन है जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी देने से हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बाहर निकलते बेटा, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मेटल सरफेस से। वर्क फंक्शन क्या बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन पुल आउट द मेटल सरफेस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में उस मेटल सरफेस में कितनी एनर्जी लगेगी मिनिमम, इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा क्या होता है, समझो इलेक्ट्रॉन सारे, ठीक है,
वो एक 10 जूल से आ रहा है और मैं 2 जूल लगा रहा हूँ एनर्जी, तो रुको रोक सकता हूँ क्या उसको? नहीं, रोकना है। तो वो उसके पास जितनी एनर्जी है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसी लेवल पे एनर्जी हमको उसको स्टॉप करने में लगती है, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बेटा, ऑब्जर्वेशन कुछ किए गए हैं हम लोगों ने, क्या क्या किया कि लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी चाहिए उससे कम दी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ। इक्वल टू आर ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी तब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे। ये पहला ऑब्जर्वेशन है बेटा। दूसरा बेटा, लोगों को क्या लग रहा है कि भैया ये मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, फिर इसको टाइम लगेगा पहले फ्री होने में, बाद में इमिट होगा, तो ऐसा नहीं है। उसका टाइम बहुत कम होता है, 10^-9 सेकंड। नो टाइम्स लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटॉन एंड इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल टाइम लगता नहीं है ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ध्यान रखना, हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखोगे, मतलब कौन सी, जितनी चाहिए उतनी है उससे थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, तो ही ये इमिशन होने वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी अभी कैसे बेटा कॉन्स्टेंट है। तब क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाना, मतलब मैं बता देता हूं, इंटेंसिटी मतलब लाइट का, देखो एक 5 वाट, एक 10 और 20, तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा, 20 वाट की। वैसे इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी में होते फोटॉन्स, सन से रेडिएशन आ रही उसमें फोटॉन्स होते, फोटॉन की संख्या बढ़ गई तो इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए मतलब करंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। मतलब हम लोगों को क्या समझा सर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने नंबर्स ऑफ फोटॉन इंसिडेंट होंगे। तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन से सरफेस पे आपका इलेक्ट्रॉन्स है, कितना गहरा है। बहुत नीचे है तो उसको एनर्जी अंदर ही कोलिजन करते 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 उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, समझे ना। तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी इमिट होते हैं। तो ये ग्राफ समझ में आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, इंटेंसिटी बढ़ाओ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट है बेटा। ठीक है, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल, ओके, हम लोगों ने क्या किया, एक इंटेंसिटी डाल दी तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट हो रहे थे, तो हमने जो पोटेंशियल बढ़ा के देखा, तो पोटेंशियल बढ़ गया तो करंट भी बढ़ रहा था। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट है मतलब 100 ही फोटॉन आ रहे, तो पहले 100 फोटॉन के कारण 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, बाद में 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो हमने क्या देखा उसकी जो भी, ये देखो ये ग्राफ मिला मुझे, ये ग्राफ मिला मतलब क्या है कि पोटेंशियल बढ़ाने से हमारे जो इलेक्ट्रॉन को ढकल रहे थे हम लोग ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे, तो करंट बढ़ रहा बाद में कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट क्यों, क्योंकि 100 फोटॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया अभी खत्म। बाद में मैंने इंटेंसिटी बढ़ा के देखी थोड़ी सी इंटेंसिटी, अभी 5 वाट का 10 वाट का लाइट लगा, तो हमने देखा कि पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट भी बढ़ रहा बाद में सैचुरेशन, क्यों, अब 200 इलेक्ट्रॉन आए थे, 200 फोटॉन्स आ रहे थे, 200 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस लेवल पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने से इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, यहाँ पे वही ग्राफ है, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी पे, जैसे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके ऊपर हमारी काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी बेटा। सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा था कि एक मेटल सरफेस है सर, इस मेटल सरफेस पे एनर्जी E इज इक्वल टू H nu आ रही थी, इसको लग रही थी वर्क फंक्शन, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ दो जगह पे खर्च कर रहा था मैं, एक वर्क फंक्शन और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स। कोई टेंशन है भाई, इसका फार्मूला H nu है और इसका मैंने H nu नॉट बोला था, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स बराबर बेटा। तो ये इधर आया तो H nu, ये H nu नॉट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम का फार्मूला मेरे पास ये भी बन सकता है कि H nu माइनस nu नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स होती है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, बट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉन्स्टेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वही ग्राफ है,
अभी हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी, तो देख सकते बेटा फ्रीक्वेंसी दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, क्यों? फ्रीक्वेंसी मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, मैंने बोला 100 इलेक्ट्रॉन्स है और वो आ रहे मेरे तरफ, उनको स्टॉप करना है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसके जैसे अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। बेटा ये क्या है, यहां से यहां तक जो एनर्जी है, जैसे मैंने बोला मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, तो मैंने बढ़ा के देखिए, देखो 0 इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, 2, 4 है ना, 5 के बाद इलेक्ट्रॉन जो इमिट करा मेटल है, और मेटल भी मेटल अलग तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग है, तो ये इससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों को बेटा इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे, कुछ थ्योरी फेल्योर भी हुई थी, वो थ्योरी कैसी होगी वो बाद में बात करता हूँ। एक शॉर्टकट में मैंने 4 पॉइंट निकाले कैरेक्टरिस्टिक, जो कि एग्जाम में 2 मार्क के लिए आया, तो यही लिखना चाहिए, इसमें बहुत सारे 9-10 दी वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम गिवन मेटल, ओनली द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहा तो। नंबर 1, फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट राइट। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये इंटेंसिटी पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, करंट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना दोनों पॉइंट, इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इंस्टेंट प्रोसेस है, कोई लैग नहीं होता है, 4 पॉइंट मैंने बोले, इंटेंसिटी करंट का रिलेशन, तब ध्यान रखना बेटा तब हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तब इंटेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, पहले इसमें ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहा तो ही करंट फ्लो होता है, और नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये थ्योरी कहीं हद तक फेल हो चुकी थी, उनका कहना था वेव थ्योरी का भैया कि इलेक्ट्रॉन आएंगे नॉक करेंगे दरवाजा खोलो तो टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है, नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटॉन, ये उन्होंने गलत बताया था, वेव नेचर डज नॉट एक्सप्लेन द है ना इंस्टेंट इंजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जल्दी होते ये एक्सप्लेन नहीं किया, डज नॉट एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल सरफेस, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये भी नहीं बताया, वेव नेचर इज नॉट टेल अस काइनेटिक एनर्जी मेड द इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी है ना लाइट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, तो ये इनका एक गलत फहमी थी, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन बेटा, आइंस्टाइन का वही चीज़ें है, बस करना क्या है, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन मैंने बताया था आप लोगों को वही इक्वेशन लिखोगे, तो मैंने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स, मैंने अभी अभी इक्वेशन बोला है, ये एच न्यू होगा बेटा, ये एच न्यू नॉट होगा और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स होगा, क्या आपको समझ में आ रहा बेटा, तो ये एच न्यू ये इधर आया तो माइनस होगा बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स है बेटा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा एच, और ये न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स का फार्मूला मिला है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इसी के ऊपर हम लोग केसेस देख सकते हैं, अगर हमारे पास न्यू इज न्यू नॉट होगा तो जस्ट 0 काइनेटिक एनर्जी है, जस्ट इमिट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाद में न्यू इज लेस देन न्यू नॉट रहा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा बेटा, क्योंकि निगेटिव काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और तीसरी कंडीशन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यही चीजें आप लोगों को बतानी है। शायद काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं EVS, ये VS क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, तो यहां हम लोग काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से अगर लिखोगे तो यहां लिख सकता हूं मैं EVS इज इक्वल टू H है ना, ये न्यू माइनस न्यू नॉट, तो VS ऐसे भी फार्मूला रख सकते थे, शायद मुझे लगता है कि इस फार्मूले में रखा तो और भी अच्छा रहेगा, एक मिनट, ये फार्मूला ना रखते हुए हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे, पहले ही फार्मूले में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो ये E ये होगा बेटा माइनस फाइ नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स राइट, अभी इसके जगह पे रखता हूँ E माइनस फाइ नॉट, यहाँ पे EVS
तो ये वी एस निकालना था मुझे, तो इधर आ गया बेटा, तो यहाँ एच न्यू, ये फाइव नॉट, तो ये ई डिवाइड आएगा बेटा ई, राइट, आर डिवाइड बाई ई, यहाँ पे भी ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, आपके बुक्स में ऐसा इक्वेशन दिया होगा। तो चलिए, इसके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बोला, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू रहा, तो कब एनर्जी होती नहीं है ये भी बताया मैंने, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे मोर इंटेंसिटी रही तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, तो इसी से क्या बोला, इंटेंसिटी बीम फॉल गिवन मेटल सरफेस, मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, मतलब इनका सीधी बात, नो बकवास, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन की संख्या इंसिडेंट वाली बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इससे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, देखो यहाँ पे लिखा है विद इंक्रीज द इंटेंसिटी। थर्ड वन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम आपकी सॉरी फ्रीक्वेंसी पे होगी, और नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ इमिशन, देखो दिस प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव पार्टिकल, देखो वेव एज अ पार्टिकल बोल के, देखो पहले वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें हमने बताया था कि लाइट एक वेव्स है, लेकिन इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक की इफेक्ट पढ़ने से इसमें फोटोन की संख्या दिखाई देती थी, तो इसीलिए ड्यूअल नेचर क्यों बोला है, वेव एज अ वेल एज अ पार्टिकल बोल के भी माना गया है। आइंस्टाइन पोस्टुलेट लाइट बी एज अ पार्टिकल, देखो लाइट पहले वेव माना था, लेकिन लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, इट्स एनर्जी ऑब्जर्व एंड रिलीज बंडल और क्वांटम नेम एज द फोटोन, फोटोन हैज द एसोसिएटेड मोमेंट, देखो जब पार्टिकल है तब मोमेंटम आता है, वेव है तो वेवलेंथ आता है, वेवलेंथ लैम्ब्डा, लैम्ब्डा नाम सुना होगा आपने, ऑल फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी सेम एनर्जी एंड मोमेंटम है इसके पास, तो ये कैरेक्टरिस्टिक दी वाली उसकी फोटॉन्स है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जैसे कि फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट उन्होंने किया कि पहले भाई ये डिफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस ये दिख रहा था तो उसको वेव्स बोला था, लेकिन बाद में पार्टिकल का नेचर दिखा, इसीलिए इसी को वेव भी बोला गया है और पार्टिकल भी बोला है। पार्टिकल का किसमें डिवीजन, जर्मन एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ रहा, अभी उसकी के आधारित पे बोला, फोटो से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन बेटा, इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट आएगी, बस इसको लिखना कैसे, ये कॉनकेव सिलेंड्रिकल पार्ट यहां पे लिखे वाला है बेटा, फोटोसेल एक डिवाइस है मेक टू यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटोसेल कंसिस्ट ऑफ द सेमी सिलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिविटी मटेरियल, मेटल है इसको इमिटर या कैथोड कहते हैं, और एक वायर टाइप का एक पार्ट है बेटा, इसको एनोड बोलते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट किया है, इमिटर ये नेगेटिव को और एनोड ये पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया है, एक माइक्रोमीटर लगाया है ताकि इसका करंट मेजर किया जाए, ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ गिवन मेटल सरफेस द इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और करंट फ्लो करने से हम लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा, लाइट आई एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यही यहां लिखा है, बाकी कुछ नहीं, बट वर्किंग वही देखो, वे लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ बोल सकते फॉल ऑन कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन सर इमिट हो जाएंगे, दिस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट टूवर्ड द एनोड हो जाएंगे बेटा, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करने से और जनरेट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नोटेड फ्रॉम द माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर यहाँ पे कन्वर्ट करे मतलब सॉरी मेजर करेगा करंट को, बस इतना ही, ठीक है। एप्लीकेशन फोटो सेल, दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, फोटो सेल यूज टू ऑपरेट किसमें करते बेटा, कंट्रोल सिस्टम, लाइट मेजरिंग डिवाइस, लाइट मेजरिंग डिवाइस करने के लिए यूज करते हैं, लाइट मीटर, फोटोग्राफिक कैमरा, कैमरा वो जो होता है उसका फोटो सेल मेजर, इंटेंसिटी मेजर कर सकता है कितनी वो लाइट की इंटेंसिटी है, फोटो सेल कैन यूज टू स्विच ऑन और ऑफ स्ट्रीट लाइन, स्ट्रीट लाइन है उसमें फोटो सेल लगाओ, दिन में लाइट बंद हो जाएगी, रात में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और दिन में ऑफ हो जाएगी, सॉरी, इट कैन बी यूज टू ऑपरेट द काउंटर, जो काउंटर मशीन्स होते हैं वहां पे बल्गर अलार्म, कहीं घर में चोर घुसा तो अलार्म बजता है पता है आपको, तो वो फोटो सेल का ही कमाल है। ट्रैफिक लॉ डिफॉल्टर कैन बी आइडेंटिफाई बाय सेटिंग द, देखो गाड़ी में फोर व्हीलर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, आपकी गाड़ी की स्पीड 80 से ऊपर है तो भैया कैच कर लेती है और ऑटोमेटिकली आपके बिल आपके नाम पे आ जाता है वो नंबर पे, तो ध्यान रखना पुलिस कहीं दिखी वो गाड़ी दिखी तो ऑटोमेटिकली कैच होने वाली, इसलिए स्पीड गाड़ी की सोच समझ कर करो,
डी बोर्गलिक हाइपोथेसिस, एक पहला ऐसा बंदा था, उन्होंने बोला व्योग के पास अगर पार्टिकल का नेचर है तो आप मैं फोर व्हीलर गाड़ी कोई भी हो उसके पास भी एक व्योग का नेचर होना चाहिए, पार्टिकल के पास भी व्योग का नेचर होना चाहिए। उन्होंने बोला क्या सबूत है, बोले अगर ये सिमेट्री है पूरा नेचर है ना, तो व्योग के पास भी जैसे पार्टिकल का नेचर है वैसे पार्टिकल के पास भी व्योग का नेचर है। पहले बंदा था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इनके आधार पे, और बहुत सारे लोगों को भी नोबेल प्राइज मिला है बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ डेरिवेशंस पार्ट भी है थोड़ा सा, तो हमने देखा होगा P इज इक्वल टू E बाय C लिखा होगा है ना, तो P इज इक्वल टू एच न्यू बाय C, लेकिन हमने एक रिलेशन C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा आएगा। तो देखते हैं P इज इक्वल टू बेटा एच बाय C, न्यू की वैल्यू है C बाय लैम्बडा, तो C को C को मरवा दो तो एच बाय लैम्बडा ये मोमेंटम मिला है। तो बेटा मैं लैम्बडा निकाल सकता हूँ एच बाय P, P अभी देखो ये वेवलेंथ है, अभी लैम्बडा इज इक्वल टू एच यम इंटू वी पार्टिकल का नेचर, या अभी वेव का नेचर देख रहा था अभी पार्टिकल का नेचर, वी इज द वेलोसिटी। आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता बेटा, हाफ यम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर होगा बेटा टू काइनेटिक एनर्जी क्रॉस मटेरियल डिवाइड बाई यम, ये वी का गया तो ये रूट में आएगा बेटा टू काइनेटिक एनर्जी बाई यम, इस इक्वेशन में पुटअप कर रहा हूँ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू बेटा एच ये यम रूट ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई यम, इस यम को अंदर लेके गए तो स्क्वेयर रखना पड़ेगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय टू मास का स्क्वेयर होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी एक मास, तो मास से मास को मरवा दो तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय टू मास, और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक जो एनर्जी होती है, अभी अभी इलेक्ट्रॉन होल्ड के फॉर्म में रखा था मैंने ई वी एस, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू भी रख सकते हैं कुछ लोग, तो कोई टेंशन मत लेना, एच डिवाइड बाय टू मास ऑफ ये इलेक्ट्रॉन का बेटा क्यू इंटू वी एस, अगर इनकी सबकी वैल्यू रख दी, एक वैल्यू है इसकी, एच की वैल्यू है प्लैंक कॉन्स्टेंट की 6.6 3 × 10⁴, चार्ज है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ है चार्ज, तो सबकी वैल्यू रखने से मुझे यहाँ पे 1.227 ऐसा कुछ 2.78 होगा लगे तो नैनोमीटर डिवाइड बाई वी एस, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर ये पता लगा ये वी एस की वैल्यू रखोगे तो आपकी वेवलेंथ मेजर कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में रिलेशन वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन मैंने अभी अभी बोला वही डिविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने भी आपके मालूमात के लिए जो पार्टिकल है उनके पास वेव का नेचर है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इसमें हाई टेंशन लो टेंशन बैटरी ली, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन को मारा एक क्रिस्टल पे, क्रिस्टल स्कैटर कर रहा था, स्कैटर समझते हो ना सब तरफ, और बाद में एक डिटेक्टर मशीन लगा दी भैया, मतलब ग्लैनोमीटर, ये ऐसे ऐसे मूव होगा और कैच करता रहता था, तो इससे उनको ये पता लगा कि इसकी वेवलेंथ ये है ना, तो किसके इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि मेरी वेवलेंथ बेटा बहुत बहुत छोटी हम लोग गिन नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी वेवलेंथ नहीं गिनी जाती, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल की जो वेवलेंथ है उसको गिना जा सकता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये किया गया है बेटा, ठीक है। तो ये ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोल के सवाल आ सकता है मैं जो बता रहा हूँ, और लेकिन एक बात बताता हूँ, जे थॉम्सन का बेटा जेपी थॉम्सन था, उनको भी इसके लिए अवार्ड मिला, किसके लिए, ये एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट है कि पार्टिकल के पास भी वेव का नेचर है। एक्चुअली सबसे पहले डी बोर्गलिस या डी बोराय जो भी बोलते होंगे बोल लो आप, उन्होंने किया, बाद में डिविजन इन जर्मन एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उन्होंने वेवलेंथ एक पार्टिकल की निकाली एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, कि इनको भी नोबेल प्राइज मिला, जे थॉम्सन को मिला, डेबोराई को मिला, और डिविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट को भी मिला है। तो उम्मीद करते बेटा ये फास्ट हो रहा है मुझे पता है, लेकिन जिनकी पढ़ाई हो चुकी है तो थोड़ा सा फ्रेश आउट करना है उनके लिए ये टॉपिक था। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।